बच्चों, आज हम ड्राइंग सब्जेक्ट में देखने वाले हैं 2D डिज़ाइन। इसमें हम लैम्प शेड का कलरिंग का वर्क करने वाले हैं, मतलब उसका पार्ट टू। सबसे पहले आपने जो रफ ड्राइंग किए हैं उसमें से एक फाइनल आकार लैम्प शेड का आपको बनाना है। उसके ऊपर आपकी मनचाही डिज़ाइन बनानी है, जो भी आपको अच्छी लगती है, जैसी भी आपको डिज़ाइन करनी है वैसे आप कर सकते हो। ये सिर्फ नमूने के तौर पे है, इसी को कॉपी करना है, यही आकार बनाना है, इसी तरह डिज़ाइन करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस तरह पेंसिल का काम ख़त्म होने के बाद आपके मन चाहे कलर से, पोस्टर कलर से ही ये ड्राइंग करना है। इस तरह एक कलर में वाइट कलर मिला के, उसके फीके कलर बना के और धीरे धीरे डार्क कलर बना के आप अलग अलग शेड बना के भी कलरिंग कर सकते हो, कुछ इस तरह। ये देखिए, बीच का हिस्सा जो है उसे ग्रे कलर से कलर किया है, ये ऑरेंज कलर से किया है कुछ हिस्सा। आपके पास अगर ऑरेंज कलर नहीं है तो आप येलो और रेड कलर मिला के ऑरेंज कलर बना सकते हैं। देखो, बीच के छोटे दायरे जो है उनके लिए येलो कलर दिया है, उसको शेड बनाने के लिए नीचे रेड कलर दिया है और उसको मर्ज किया है, मतलब मिक्स किया है। उसी तरह ये नीचे के जो ब्लू सर्कल है उनमें भी उसी तरह कलरिंग किया है। देखो, गोल्डन पट्टी बनाने के लिए येलो ऑकर कलर, उसमें वाइट मिलाते मिलाते बीच में प्योर वाइट कलर देके गोल्डन चेन जैसा, गोल्डन पट्टी जैसा फील दिया है। ये देखो, और बेहतरीन डिज़ाइन करने के लिए उसके अंदर आप काले नुक्ते, वाइट डॉट्स, इस तरह के डिज़ाइन भी कर सकते हो। कलरिंग का काम ख़त्म होने के बाद, पूरा ड्राइंग जब सूख जाएगा उसके बाद आपको जहाँ जहाँ ज़रूरत महसूस हो रही है वहाँ ही स्केच पेन से बॉर्डर करनी है। ये हो गया हमारा फाइनल ड्राइंग। इसके ताल्लुक से इसी ड्राइंग का एक वीडियो है, वो भी आप देख लीजिए। ये देखिए, सबसे पहले एक बात पे आप गौर कर सकते हैं यहाँ पे, कि पेपर के हिसाब से कितना बड़ा ड्राइंग होना चाहिए। पार्ट वन में हमने कम से कम 5 या 6 अलग अलग आकार लैम्प शेड के देखे थे। उसमें से आपको जो बेहतर लगता है, आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो पसंद है, वो आकार आप बना सकते हो। ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे प्रकार है, स्केल है, उनका इस्तेमाल आप डिजाइन बनाने के लिए कर सकते हैं। इस तरह डिजाइन का रिपीटेशन भी कर सकते हैं, मतलब एक ही तरह की डिजाइन आप अलग अलग जगह पे बना सकते हैं। याद रखें, डिजाइन ऐसी हो कि आपको उसमें कलर भरने के लिए जगह मिले। सिंगल लाइन डिजाइन नहीं करनी है और ज्यादा भीड़ भी नहीं करनी है। डिजाइन में ज्यादा भीड़ कर दी तो आपको कलरिंग को तकलीफ होगी और वो अच्छे से कलर नहीं हो पाया तो बाद में अच्छा नहीं दिखेगा। एक चीज आप यह और देख सकते हो कि लैम्प शेड का स्टैंड बनाने के लिए बहुत कम जगह छोड़ी है। आपको भी इसी तरह जब हम लैम्प शेड बनाएंगे तो जिसमें हम डिज़ाइन करने वाले हैं ऊपर का शेड का हिस्सा वही बड़ा बनाना है, और नीचे उसका स्टैंड एकदम छोटी जगह पे छोटा बनाया तो भी चलेगा। देखो यहाँ पे किस तरह बनाया जा रहा है, आप अपने हिसाब से अलग डिज़ाइन वाला भी बना सकते हो, सीधा बनाओ तो भी चलेगा। याद रखना है, पेंसिल से काम करते वक्त एकदम हल्के हाथ से लकीरें खींचनी है, ताकि अगर कुछ गलती हो जाए तो आप उसको तुरंत मिटा सकें। इसे हम पोस्टर कलर से, मतलब पेंट कलर से कलर करने वाले हैं, इसीलिए ज़्यादा रबर का मिटाने का काम नहीं करना है। आप ज़्यादा रबर इस्तेमाल करोगे, ज़्यादा बार पेंसिल का बनाया हुआ मिटाओगे तो पेपर खराब होता है, फिर कलरिंग अच्छे से नहीं होता है वहाँ पे। ये देखो, ब्लू कलर चुना है, ब्लू कलर का हल्का कलर बनाया, फीका कलर, उसमें बहुत ज़्यादा व्हाइट मिलाया, फिर
उसी ब्लू में, जो लाइट ब्लू बना हुआ था उसी ब्लू में धीरे धीरे और नीला कलर, मतलब ब्लू कलर मिला के उसके डार्क कलर बना दिए। इस तरह आप डिज़ाइन का, जैसे हमने रिपीटेशन किया है, जो डिज़ाइन ऊपर बनाई थी वही नीचे बनाइए, इसीलिए वहाँ का कलर भी यहाँ ही दे रहे हैं हम लोग। एक चीज़ आप यहाँ देख रहे होंगे कि कलर जब बनाया गया है तो उसमें ज़्यादा पानी नहीं मिलाया है और एकदम हट कलर भी नहीं है, मतलब थिक कलर भी नहीं है, तो मीडियम थिकनेस चाहिए कलर का, ताकि आपको जहाँ कलर वो देना है वो बराबर स्मूथली वहाँ कलर बैठे। देखो, ग्रे कलर बनाने के लिए ब्लैक कलर और वाइट कलर मिला के ग्रे कलर बनाया है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आपको इसी तरह डिज़ाइन करनी है, ऐसा ही कलर करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ आपको कलरिंग का तरीका समझ में आए, कितनी सफाई से कलरिंग करना है, और आप एक कलर से या फिर एक दूसरे में कलर मिला के कितने अलग अलग कलर बना सकते हो, इसके ताल्लुक से ये वीडियो आपको दिखाया जा रहा है। और कलर बैलेंसिंग जो होता है, मतलब एक कलर कम से कम दो जगह पे इस्तेमाल करना है, हम 2D डिज़ाइन में इसके पहले भी सीख चुके हैं, उसी तरह डिज़ाइन में भी आपको ख्याल रखना है। देखो, डिज़ाइन के लिए अंदर के जो दायरे बनाए हैं उनको पीला कलर दिया जा रहा है, फिर उसको राउंडिटी मतलब गोलाई दिखाने के लिए नीचे ऑरेंज कलर, और उसको जब गीला होगा उसी वक्त थोड़ा सा ब्रश में पानी लेके नीचे के कलर में मिक्स करके रख दे देना ऐसा। देखो, रेड एंड व्हाइट दोनों मिला के पिंक कलर बनाया। आप इससे भी अलग कलर बना के अपने डिजाइन में दे सकते हो। देखो, जिस तरह हमने ब्लू कलर किया था, लाइट ब्लू, फिर मिडल ब्लू, फिर डार्क ब्लू, इसी तरह फूल में भी कलरिंग हो रही है, जैसे पिंक है, रेड है, उसके बाद और डार्क रेड आएगा। देखो, यहाँ आखिर के हिस्से में जो कलरिंग हो रहा है वहाँ पे रेड में हल्का सा ब्लैक मिलाया है। कलरिंग का काम बहुत ही संभाल के करना है, आजू बाजू में या फिर लैम्प शेड हमने जो बनाया है पहले से जो कलर किया हुआ हिस्सा है उसके किसी दूसरे हिस्से में कलर ना गिरे, दाग ना गिरे, इसका ख्याल रखना है। जहाँ ज़रूरत महसूस हो रही है वहाँ छोटे नंबर का ब्रश इस्तेमाल करो, जहाँ छोटी जगह है, जहाँ बड़ा कोई हिस्सा है जिसको कलर करना है वहाँ बड़े नंबर के ब्रश इस्तेमाल कर सकते हो। देखो, नीचे जो स्टैंड बना हुआ है उसे मैं सिर्फ एक प्लेन कलर से ही कलर कर रहा हूँ। आप चाहे तो वहाँ जैसे हमने ऊपर कलर किया है ब्लू का, रेड का, उस तरह भी नीचे कलरिंग कर सकते हो। याद रखना है, स्टैंड का हिस्सा छोटा होना चाहिए और शेड बड़ी होनी चाहिए। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये देखो गोल्डन पट्टी बनाने के लिए येलो आकर कलर लिया है। ये पहले वक्त डायरेक्ट बोतल से कलर निकाल के वहां लगाया है, थोड़ा सा पानी मिला के, फिर उसके बाद उसी कलर में व्हाइट मिला के, जिस तरह हमने ब्लू और रेड का शेड बनाया है इसी तरह गोल्डन पट्टी के लिए येलो आकर के भी हम शेड बना सकते हैं। धीरे धीरे व्हाइट मिला के बीच तक लेके आना है, और बराबर बीच के हिस्से में डायरेक्ट बोतल से निकला हुआ व्हाइट कलर थोड़ा सा पानी मिला के हम वहाँ लगा सकते हैं, तो उसको चमक जैसा फील आएगा। ये देखिए, धीरे धीरे व्हाइट कलर मिला के हम आगे कलरिंग कर रहे हैं।
आपको भी आपके डिज़ाइन में इस तरह की अगर गोल्डन पट्टी दिखानी है तो आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके जगह पे आप सिल्वर पट्टी भी कर सकते हो, जिस तरह हमने ग्रे कलर बनाया है उसी तरह व्हाइट और ब्लैक कलर मिला के बीच में बराबर डायरेक्ट व्हाइट कलर आएगा, इस तरह की सिल्वर पट्टी भी बन सकती है। ये देखिए, और थोड़ा आखिरी के हिस्सों में डार्क कलर आएगा, लेकिन उसको गीले ब्रश से मर्ज कर देना है कुछ इस तरह। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत ही संभाल के काम करना है और पेपर के हिसाब से कितना बड़ा ड्राइंग बनाया है ये आप ध्यान से देखो। छोटा सा लैम्प शेड नहीं बनाना है, या फिर बहुत बड़ी लंबी डंडी बना दी, ऊपर का शेड छोटा बना दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये देखो, अभी कलरिंग होने के बाद उसको और सजाने के लिए हम अपने हिसाब से उसमें डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे काले नुक्ते बन रहे हैं, अब यहाँ मैंने फूल बनाए थे, आप पत्तियाँ बना सकते हो। ये देखो, आप व्हाइट कलर से भी कुछ चमक दिखाने के लिए, डिज़ाइन को और बेहतरीन बनाने के लिए उसमें हम इस तरह के एडिशन कर सकते हैं। देखो, पूरा ड्राइंग होने के बाद जो वो पूरा सूख जाएगा, उसके बाद आपको जहाँ जहाँ ज़रूरत महसूस हो रही है, सभी जगहों पे नहीं, जहाँ जहाँ लग रहा है कि यहाँ बॉर्डर की ज़रूरत है, वहाँ आप स्केच पेन से बॉर्डर कर सकते हो। इसके लिए ड्राइंग पूरा सूखना ज़रूरी है, गीले ड्राइंग पे स्केच पेन मत चलाओ। स्केच पेन से बॉर्डर करते वक्त भी बहुत संभाल के बॉर्डर करनी है, पेंसिल की लकीर नहीं है वो, स्केच पेन की लकीर बाद में नहीं मिट पाएगी। ये देखो, स्केच पेन से भी कुछ डिज़ाइन ऐड कर दी, तो आप इस तरह आपके ड्राइंग में भी कुछ डिज़ाइन ऐड कर सकते हो। देखो, ये हो गया हमारा फाइनल ड्राइंग, इस तरह हो जाना चाहिए। सभी बच्चों को 2D डिज़ाइन पार्ट 2 लैम्प शेड का कलरिंग का काम करने के लिए ऑल द बेस्ट।